हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। हमारी नाइन्थ क्लास में हमने लास्ट टॉपिक किया था ट्रायंगल्स का, और ट्रायंगल्स के चैप्टर के सारी थ्योरी हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम इसके क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे और एक्सरसाइज सारी सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो हम मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे, जो कि आपकी ट्रायंगल्स चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो थ्योरी मैंने आपको करवाई थी लास्ट क्लास में, वो आपने सारे अच्छे से याद की होगी और समझी होगी, ठीक है? तो एक्सरसाइज 7.1 पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, ये क्वाड्रिलेटरल उसने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा है उसने, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। क्वाड्रिलेटरल कैसे दिया है, ABCD, ये है ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी पॉइंट है, ऐसे दिया है, ठीक है जी, बिल्कुल। इसके बाद एक डी पॉइंट दिया है यहां पे, ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिया है। और उसने क्या बोला है, AD इज इक्वल टू AC। गिवन क्या है, गिवन देखो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, गिवन यहां पे लिख दे रहा हूं, AC इज इक्वल टू AD, ठीक है? क्या गिवन है, AC इक्वल है किसके, AD के बराबर है। और उसने क्या दिया है कि एंगल ए और एंगल ए को दो सेक्शन में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया है, ठीक है? क्वेश्चन में यही दिया है, बिल्कुल। हाँ, उसने डायरेक्टली नहीं दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, उसने ये दिया है कि AB जो लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब दो एंगल्स में बराबर बराबर बांट रही है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद उसने क्या कहा है, शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, ABD, कौन कौन सा ट्रायंगल उसने बोला, ABC, AB एंड C, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, मतलब कि ट्रायंगल हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AB एंड D। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव कौन से मेथड से करना है, हमारे पास मेथड्स थे ASA, एंगल साइड, देन उसके बाद ट्रिपल साइड, तीनों एंगल हों, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एंगल साइड था, साइड एंगल था, मतलब ऐसे काफ़ी हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए मेथड थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। इसके बाद हमको प्रूव करना है, उसके बाद उसने और भी पूछा है कि BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं, मतलब BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रूव करते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। अब देखो ABC ट्रायंगल, देखो गिवन क्या है हमारे पास, वो गिवन है ना AC इज इक्वल टू AD, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, देखो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AB एंड D, इन दो ट्रायंगल में हमको क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है? अब उसके बाद एक और चीज देखो, एंगल डी AB इज इक्वल टू एंगल CAB, CAB और DAB ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों, क्या हमको दिया है, यहां पे लिखेंगे बिकॉज या सिंस AB बाइसेक्ट्स कौन सा एंगल, ए एंगल को, एंगल ए, ठीक है? हमको जो भी लाइन, जो भी हम लिख रहे हैं ना इसमें, जो भी हम बता रहे हैं उनको, क्वेश्चन एग्जामिनर को, जो चेकर है उसको बता रहे हैं कि AC इज इक्वल टू AD,
तो उसका हमको प्रूफ भी देना पड़ेगा, वहाँ पे हमको गिवन है, लिख दिया हमने गिवन, ठीक है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए है, ए को एंगल ए को ए बी लाइन बाइसेक्ट्स कर रही है और ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, दोनों ट्रायंगल्स में लाइन ए बी इज कॉमन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी एंड डी, ठीक है। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल, लाइन जो ए बी जा रही है ना, ए बी जो साइड है ना, वो दोनों ट्रायंगल में सेम सेम है, मतलब दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसलिए हमने लिख दिया ए बी इज कॉमन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी। यहां पे लिख देंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है। हमको कैसे पता चला, फिगर देख के पता चला, क्या पता चला, ए बी इज कॉमन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी। अब इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है, देखो साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, ब्रैकेट में लिख देंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी एंड डी। ये तो हो गया हमारा प्रूफ, ये प्रूफ पूछा था, हमने दो साइडें और एक एंगल बराबर कर दिया, साइड ए डी इज इक्वल टू ए सी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी और साइड ए बी, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है, कॉमन है मतलब सेम होगी, ठीक है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ये तो हो गया हमारा प्रूफ। अब उसने क्या पूछा है कि बी डी और बी सी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है वो। अब देखो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, तो यहां पे हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, देयरफोर डी बी या बी डी इज इक्वल टू बी सी, सीधा सा आंसर। जो उसने पूछा था कि बी डी और बी सी में क्या रिलेशन है, तो देखो ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट होगा तो जो भी साइड, मतलब जो सिमिलर साइड्स हैं, मतलब सिमिलर साइड्स हैं या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम जिसको कह सकते हैं, वो सारी की सारी इक्वल होंगी। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, तो ये साइडें बची तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी, सिंपल था। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आपको होनी चाहिए, जो ये हमने कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन एस ए एस कंडीशन फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी, और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, मतलब बराबर होती हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, सब बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये एंगल सेम है, ये एंगल भी सेम होगा एक दूसरे के, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, क्वेश्चन में जितना पूछा था वो हमने प्रूफ कर दिया है। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जो आपको क्या पूछ रहा है, एक और डायग्राम दिया है उसने, तो ये मैं मिटा देता हूँ, अब नोट डाउन कर लिया होगा आपने, नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिया है उसने, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है उसने, ए
बी, देन सी नीचे को है, यहाँ पे है सी, देन उसके बाद डी ऊपर है। ये हो गया डी। अब उसने पूछा क्या है इसमें, अच्छा ये डायगोनल्स हैं इसकी, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, सेम एक लाइन, एक लाइन मतलब दोनों में एक एक लाइन आ गई है, मतलब ये लाइन इसके बराबर है। अगर यहाँ पे डबल, यहाँ पे अगर एक लाइन आ गई अब दूसरी, ये दोनों लाइन इक्वल होती तो यहाँ पे डबल लाइन आ जाती, पर ये इक्वल नहीं है इसलिए नहीं दिया है तो हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उसने क्या पूछा है कि क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। मैंने बता दिया गिवन, यहां पे लिख रहा हूं ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसके बाद उसने क्या कहा है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी बी ए ये एंगल, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, ये एंगल गिवन है हमको, इक्वल है। इसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, पहला पार्ट है ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। अब देखो ए बी डी कौन सा है, ए बी और डी, और बी ए सी कौन सा है, बी ए और सी, मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, इसको हमें प्रूफ करना है कि इक्वल है। तो ठीक है शुरू करते हैं। अब देखो एंगल ए बी डी, देखो ए बी डी और बी ए सी, इसमें एंगल ए और एंगल बी गिवन है हमको, बराबर है, और लाइन बी सी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। तो वही सेम थ्योरी सेम लिखेंगे, मैं सिर्फ थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ। थ्योरी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी वैसे ही सॉल्व करेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी, ए बी डी एंड ए बी सी, बी ए सी या फिर ए बी सी, बी ए सी, बी ए और सी, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और उसने पूछा है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हमने ट्रायंगल मान लिया कौन कौन सा, एंगल जो तो ट्रायंगल मैंने आपको बताया वो मान लिया है, हम सॉल्व करते हैं। अब ए बी डी में देखो, ए ए बी डी में ये लाइन आ रही है, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये वाला ट्रायंगल की और ये वाले ट्रायंगल में बी सी इज इक्वल टू ए डी है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। उसके बाद हमको ये गिवन है एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, ये भी क्या है, गिवन है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल गिवन हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड गिवन हो गई। अब उसके बाद ये देखो ए बी, ए बी, ए बी इज कॉमन, ए बी क्या है, कॉमन है इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल में, ए बी डी और ट्रायंगल बी ए सी, ठीक है, ए बी कॉमन हो गया। देखो ए बी डी और ए बी सी या बी ए सी, बी ए सी और ए बी डी दोनों में ए बी आ रही है, ए बी दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन का कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग गया, देखो लाइन एंगल देन लाइन, ठीक है, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी कौन सा लग गया, लाइन साइड एंगल साइड, सेम सेम वो थ्योरी वापस लिखेंगे, बाय बाय एस ए एस, ठीक है, फिर ब्रैकेट में जो वहां पे लिखा है वही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, सेम सेम टू सेम डिटो कॉपी लिख देंगे। ये तो हमने पहला पार्ट उसका प्रूफ कर दिया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि बी डी इज इक्वल टू ए सी प्रूफ करना है, लिखो क्या प्रूफ करना है, बी डी इज इक्वल टू ए सी।
सेकेंड पार्ट क्या है देखो, बी डी इज इक्वल टू ए सी, यही है बी डी इज इक्वल टू ए सी। अब देखो बी डी क्या है, बी डी डायगनल और ए सी डायगनल है। अब देखो हमने क्या देखा है कि ये दोनों ट्रायंगल में दो साइडें तो एक दूसरे के बराबर हो गई हैं, क्योंकि ये कॉमन है और ये इसके इक्वल है। अब बची है एक ही साइड, दोनों की एक ही साइड बची है जो कि डायगनल है, पूरे मतलब कि क्वाड्रिलेटरल की डायगनल है। अब मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंसी की क्या था कि जो भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है, जो भी होगा मतलब वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब बराबर बराबर हो जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बी डी इज इक्वल टू ए सी। तो सिर्फ वही सेम लिखेंगे, सिंस ट्रायंगल ए बी एंड सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, हो गया डी ए बी, डी ए बी, ठीक है। इसको आप नंबरिंग चेंज करके लिख सकते हो, बी ए सी लिखा है या ए बी सी लिखा है सेम है, ए बी डी लिखा है या डी ए बी लिखा है सेम है, ठीक है। आपको तीन पॉइंट दिखाने हैं जिससे वो ट्रायंगल बन रहा हो, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, देयर फोर ए सी इज इक्वल टू बी डी, यही प्रूफ करना था सेकेंड पार्ट में। सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे क्या कहता है देखो, थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में पूछ रहा है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए और सी, ए बी डी और बी ए सी, ठीक है, यही पूछा है उसने। अब देखो ए बी डी कौन से एंगल में आ रहा है, ए बी सी कौन से एंगल में, ए और बी और सी इज इक्वल टू बी ए सी, ए बी सी बी ए सी, नहीं नहीं ए बी डी होगा, ए बी डी है, सॉरी यहाँ पे है ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, ए बी और डी, मतलब कि उसने एंगल कौन सा पूछा है, ये वाला पूछा है, ये वाला इक्वल किसके करना है, इक्वल करना है बी ए सी के, बी ए और सी इसके इक्वल करना है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करेंगे आप खुद बताओ, आप खुद सोचो कि इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एंगल इसके इक्वल करना है तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना बी ए डी, उसको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा बी ए सी के बराबर, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी या डी ए बी, जो भी मतलब हो जाएगा। ये देखो ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ए सी, इससे क्या प्रूव होता है कि जो भी मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि सेम एंगल्स, जैसे ये बड़ा वाला एंगल इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला एंगल इसके बराबर हो गया तो जो इसके सामने वाला एंगल होगा ना, मतलब इसके सामने वाली साइड होगी, वो बराबर हो जाएगी। अब इसके ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन दोनों की कॉमन है, और दोनों की कॉमन है तो मतलब इसके सामने वाला एंगल, ट्रायंगल देखो ए बी डी, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। इसके सामने वाला ए बी सी में देखो, ए बी सी में कौन सी साइड है, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा, फिर यही एंगल बचता है, और ये एंगल देखो, ये लाइन बी सी इज इक्वल टू ए डी, पहले हम प्रूव कर चुके हैं ए डी इज इक्वल टू बी सी, हमको गिवन भी है। तो इसके सामने वाला जो एंगल है, एंगल ये वाला और ये वाला, ये भी तो बराबर हो जाएंगे। ये भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, अगर कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल्स हैं, उसकी जो कोई भी दो साइड्स हैं जो कि सेम है, उसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा, तो ठीक है। इसमें लिखेंगे वही सेम, ये वाली लाइन वापस लिखेंगे यहाँ पे, सेंस वाली, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ए बी, ये लिख दिया। इसके बाद आपको क्या पूछा है उसने, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। बस यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर
ऑलवेज इक्वल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है ये याद रखना, ये जरूर लिखना है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था इसमें, आपको सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है। कैसे यूज करनी है वो मैंने आपको बता दिया, एंगल्स कैसे इक्वल हुए वो फिर से देखो, ये एंगल्स कैसे इक्वल हुए, हमको गिवन क्या है, ये लाइन गिवन है, ये एंगल भी हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, जो हमको गिवन है बस वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको गिवन है कि ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक कंडीशन आती कि जो सेम साइड होती है ना, इसके सामने वाला एंगल, इसके सामने तो ये लाइन पड़ रही है, मतलब इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाले ट्रायंगल में, ए बी सी के ट्रायंगल में और ए बी डी के ट्रायंगल में इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, जो कि ये है, ये दोनों एंगल, ये वाले दोनों एंगल जो हैं ये हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था इसमें, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ थी। इसके बाद अगर हम देखें, देखो अगर सारे एक एक क्वेश्चंस कराने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करा देता हूं कि क्वेश्चंस को कैसे करना है। आपको दो क्वेश्चंस मैंने डिटेल में थ्योरेटिकली करा दिए कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद मैं आपको मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बाकी आप सारी थ्योरी खुद ही लिखेंगे, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखो उसने एक डायग्राम दिया है और बोला है कि ए और बी लाइन है एक, और ए और बी लाइन पे दो लाइनें हैं परपेंडिकुलर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है, और इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, और ये दोनों बराबर हैं लेंथ में, लेंथ में बराबर है, मतलब ये इक्वल टू ये है। और उसने क्या बोला है कि ये जो लाइन सी और डी लाइन है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, ए डी एंड बी सी दोनों बराबर हैं लेकिन और परपेंडिकुलर भी हैं, ये भी उसने बता दिया है कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको बता दिया है। उसके बाद और क्या बोला है, वो परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी शो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, ओ सॉरी ये बाइसेक्ट कर नहीं रही है, हमको प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रही है, दिया नहीं है कि बाइसेक्ट कर रही है, हमको प्रूव करना है कि ये लाइन में बराबर है, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये हमको प्रूव करना है। गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए डी इज परपेंडिकुलर और बी सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं ए बी के। अब देखो ट्रायंगल लेंगे ए डी ओ और बी सी ओ, ठीक है, मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करा रहा हूँ, इसका पूरा थ्योरेटिकली आप वही करेंगे, आप खुद सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, वही थ्योरी लिखनी है, वही मेथड यूज़ करना है, बस आपको गो थ्रू करा रहा हूँ। ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, अब देखो एक मैंने आपको, आपने शायद इस क्लास में नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपको शायद मैंने पढ़ाया था, मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं तो जो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं ना वो बराबर होते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये साइड इसके बराबर दी है और ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री भी तो बताया है, तो 90 डिग्री दोनों है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, ए ए एस, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लग रही है, इससे ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। इसके बाद और इसके इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो हाँ यही है, सी डी बाइसेक्ट ए बी, सी डी बाइसेक्ट ए बी मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ बी कर दोगे तो ये आपका प्रूव हो जाएगा कि सी डी ओ इज इक्वल टू ओ बी है, ठीक है, आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान नहीं आएगा आपको,
इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपको बेसिक्स बता रहे हैं। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, फोर्थ क्वेश्चन में उसने दो पैरेलल लाइंस दी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, एल एम एंड आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर। ये दो पैरेलल लाइन है एल और एम, ठीक है, ये एल है और ये एम है, ये किसी और पेयर से, पैरेलल लाइन के पेयर से इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कोई और, क्या नाम दें इसको, नाम दिया इसने पी और क्यू, पी एंड क्यू, और इसमें उसने क्या बताया, ए और सी उसने लाइन बनाई हुई है। ये ए पॉइंट है और ये है सी पॉइंट, ये सी है और ये ए है। उसने पूछा क्या है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी ए, सी डी ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी देखो, ए बी पॉइंट कहाँ पे है, बी पॉइंट ये है और ये है डी पॉइंट, ठीक है। उसने पूछा क्या है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट करना है किसके, ए सी डी के। अब देखो बहुत ही आसान है, आपने पढ़ा था कि कोई भी लाइंस पैरेलल हों, और ये अगर ये एल और एम की बात करें, ये लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या कौन सा ट्रांसवर्सल लाइन है, पी, और क्यू भी ट्रांसवर्सल है, सेकंड ट्रांसवर्सल है, फर्स्ट ट्रांसवर्सल है। अब देखो अगर हम सिर्फ बात करें इस ट्रांसवर्सल की, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़े थे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये है ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन जा रही है, ये डॉटेड जो बाहर निकाल रहा हूँ, ये आपकी ट्रांसवर्सल बिहेव कर रही है, और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ये एंगल ट्रायंगल में है, एडीसी ट्रायंगल में है, और ये वाला एंगल है एबीसी में, ये एंगल बराबर हो गया, ट्रांसवर्सल था इसीलिए। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखो इसकी, ये वाली लाइन कॉमन है, ये वाली लाइन कॉमन है, बिल्कुल है, ये वाली लाइन बिल्कुल कॉमन है। इसके बाद अब हमको एक और चीज़ कॉमन ढूंढनी है, कोई भी चीज़ ढूंढ लो वो आप, ठीक है। ये ट्रायंगल की बात करें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब देखो ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल जा रही हैं, और ये भी दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो हमेशा याद रखना कोई भी दो लाइन पैरेलल दूसरी पैरेलल लाइंस को काटेगी, हमेशा जो एक लाइन, ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये दोनों बराबर कटेंगी, ये लाइन इसके बराबर होगी, ये लाइन इसके बराबर होगी। तो वैसे आपका साइड 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 रूल भी इसमें लग जाता है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये एंगल्स भी, एंगल वाला रूल भी लग जाएगा, और एक और चीज़ लग जाएगी। देखो इसको ट्रांसवर्सल मानते हैं हम, अगर इसको ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये वाला एंगल देखो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। आसान था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो अल्टीमेटली ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। मतलब आपकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें लग रही है, जो हमने कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंगल एंगल, ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, ये वाला एंगल कैसे हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसके बराबर हुआ, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इसके बराबर हुआ, ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हुआ, ठीक है। आसान था ये आपकी, देखो एंगल एंगल और साइड की प्रॉपर्टी तो लग गई है, हमने ये साइड की बात ही नहीं की, साइड की बराबर काट रहा है नहीं काट रहा है, हमने सिर्फ एंगल्स की बात की, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये साइड तो कॉमन है ही, ये वाली साइड तो कॉमन है ही, तो आपका एंगल 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 साइड सेम, वही प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड से लग जाएगा कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको आज के सेशन में क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और लगे होंगे, और आपको समझ आया होगा कि किस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो आपको थ्योरी फर्स्ट क्लास में बताई थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, ये पूरा चैप्टर उसी थ्योरी पे बेस्ड है, और वो थ्योरी ऐसे रट्टा मारने वाली नहीं है कि आपने पेज पलट लिए, रट्टा मार लिया, दिमाग में बिठा लिया तो हो गया क्वेश्चंस। जितने क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में दिए हैं वो तो आपको करने ही करने हैं, उसके अलावा
आपको एग्जाम्पल्स भी करनी है एनसीईआरटी की। इसके अलावा आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई और हेल्प बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो मोर देन एनफ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो फाइनल एग्जाम हो चाहे वो यूनिट टेस्ट हो। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज में दिए हैं और एग्जाम्पल्स में दिए हैं। तो आपको अल्टीमेटली करना क्या है, अब जो थ्योरी पढ़ाई है उसको तो रिवाइज करना ही करना है। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं ये आपको समझाने के लिए कराए थे कैसे क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे। एक्सरसाइज आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1, इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसमें कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी मैंने आपको बता दी कैसे लिखनी है और कैसे एंगल्स को इक्वल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बता दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो भी बता दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हमने लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था याद है, और पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं ये भी हमने पढ़ा था, ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया, ये भी हमने पढ़ाया था कि वो तब इक्वल होते हैं। मतलब लाइंस एंड एंगल्स मैंने आपको पहले बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइंस एंड एंगल्स की थ्योरी भी इस चैप्टर के लिए, तो वो आपको अभी समझ आ रहा होगा मैंने क्यों कहा था वो ज़रूरी है। उसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ मतलब बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको ये वाला टॉपिक करना है, ट्रायंगल्स हो गया, मेंसुरेशन हो गया, कोई भी टॉपिक करना है मेंसुरेशन का, एरिया फाइंड करने के लिए, एंगल फाइंड करने के लिए, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद रखने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किससे, ये नहीं कि किताब खोली और रट्टा मार लिया भाई कि मैंने तो सारा पढ़ लिया मेरे को सब आता है। अरे क्वेश्चन ऐसे ऐसे फंसेंगे ना कि आपको पता नहीं चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ कर रही है। अल्टीमेट आपको करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही सॉल्व करने हैं, इसके बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है तो भाई इसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लो, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज में सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर होते हैं, ठीक है, ए टू जेड जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे कवर होते हैं एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल्स में। तो आशा करता हूँ कि आपको इस लेसन से कुछ समझ आया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। शॉर्टकट कोई नहीं है, पढ़ना कैसे है, जो थ्योरी आपको पढ़ाई है वो पढ़नी है और उस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चंस क्लियर करने हैं, क्वेश्चंस खुद करके देखने हैं। ये नहीं कि भाई टीचर ने मेरे को होमवर्क दिया है तो मेरे को जल्दी से करना है, हेल्प बुक ली और छाप दी सारी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कागज़ काले करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा किससे होगा, प्रैक्टिस करने से, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपना दिमाग लगाइए और सीखिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि इससे बहुत कुछ समझ आया होगा आपको। तो ये सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे इसकी और डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर सकते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।